Hello dear students, welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study aromatic hydrocarbons. We were already studying the hydrocarbons and some topics we have covered are alkenes, alkanes, alkynes and their physical and chemical properties we had already studied. Today we will study aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbons ko hum arenes bhi bolte hain. They are also known as एरिन्स एंड बिकॉज ऑफ देयर प्लेजेंट ऑर्डर जो एक तरह से एरोमा उनका प्लेजेंट होता है इसीलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं और जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके एरोमेटिक कंपाउंड्स तो ज़्यादातर में क्या होता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में इसमें बेंजीन रिंग होती है जैसा कि आपको पता ही होगा. बेंजीन रिंग क्या होता है हाईली अनसेचुरेटेड होती है. हाईली अनसेचुरेटेड होती है. ओके डबल बॉन्ड होते हैं इनमें. हाउएवर देयर आर एग्जांपल ऑफ कुछ हैं ऐसे एग्जांपल जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है बट हाईली अनसेचुरेटेड रिंग होती हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन बेंजीन रिंग जो है उसको क्या बोलते हैं बेंजेनॉइड्स भी बोलते हैं. बेंजेनॉइड्स देखो छोटी छोटी बातें ही पता होनी ज़रूरी हैं जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में या वन लाइन आंसर में कभी देने पड़ते हैं तो एग्जाम्स में जब देने होते हैं तो यू शुड नो अबाउट दैट. और जिसमें नहीं बेंजीन रिंग होती उनको हम बोलेंगे नॉन बेंजेनॉइड्स है ना. अगर उसमें कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं है तो नॉन बेंजेनॉइड्स और बेंजीन रिंग है तो बेंजेनॉइड्स. ओके क्लियर. तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ एरिन्स के. एरिन्स भी बोलते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज एरिन्स. तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है बेंजीन का आप कुछ पता ही है. इसमें बीच बीच में डबल बॉन्ड्स रहते हैं और इस तरह का बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वी ऑलरेडी नो दैट. जब दो ही अटैच हो जाते हैं रिंग्स तो ये नेप्थलिन बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं नेफ्थलीन. ओके और जब तीन बेंजीन अटैच हो जाते हैं तो क्या बन जाता है तो बन जाता है एंथ्रासन. क्या बन जाता है एंथ्रासन. इजी यहाँ तक आपको सबको क्लियर है. और एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड आएगा. और अभी पीछे भी हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जब इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है जब ना तो ये क्या बन जाता है टॉल्यूइन. लाइक दिस दिस इज़ योर द बेसिक बेंजीन स्ट्रक्चर एंड वन मिथाइल ग्रुप व्हेन अटैच्ड हियर इट इज़ टॉल्यूइन. क्लियर. और फिनाइल में इस तरह से ये लिंक रहता है. ओके लाइक दिस. तो जब दो स्ट्रक्चर ऐसे लिंक होते हैं तो वी कॉल इट बाई फिनाइल. बाई फिनाइल. और जब इसी बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये हो जाता है फिनॉल. इजी इट इज़. इसको प्रैक्टिस करोगे लिख के तो आराम से ये लर्न हो जाएगा. जब मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ तो टॉलिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ तो फिनॉल और दो बेंजीन अटैच हुए तो नेप्थलिन थ्री अटैच हुए तो एंथ्रासन और दो बेंजीन इस तरह से बॉन्डिंग हुई तो ये हो गया बाई फिनाइल. तो इसीलिए इन सब में बेंजीन रिंग है इसीलिए सब क्या हैं
बेंजीनॉइड्स हैं, सब में बेंजीन रिंग है, इसलिए दीज आर बेंजीनॉइड्स. ओके, अब इसमें एक नॉन बेंजन बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर भी होगा इस तरीके से. लाइक दिस. ओके, और तो इसमें बेंजीन रिंग नहीं है. ओके, इसीलिए इसको बोलेंगे एज्यूलिन. और ये क्या है? नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है. नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड. तो ये तो इंट्रोडक्शन था जिससे हमें थोड़ा क्लियर हो. जैसे हमें पता था एल्केन्स, आपको पता लग गया एल्कीन्स में डबल बॉन्ड है, एल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या है. तो स्ट्रक्चर से हमें इससे बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर इनका पता लगा. अब हम इसका पता करेंगे, साइक्लिक स्टडी करेंगे हम नॉमनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म. नॉमनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म. तो जो सिक्स हाइड्रोजन एटम्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं, तो एक तरह का ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाते हैं. तो अगर उन दो हाइड्रोजन एटम को बेंजीन के रिप्लेस करो डिफरेंट एटम और ग्रुप से, तो तीन डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे. जैसा कि हमने पहले ही पोजीशन आइसोमर्स में पढ़ा है, तो इसमें भी हम जब डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स डालेंगे तो पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे. तो जैसे बेंजीन है, अभी हमने ऊपर में ही जो पढ़ा था बेंजीन और टॉल्यून का स्ट्रक्चर, तो पोजीशन आइसोमर्स का हम दे सकते हैं. जैसे इसका क्या है, C6, बेंजीन का क्या है, C6H6. इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर एक बार मैं बना देती हूँ विद कार्बन. ये देखिए इस तरह से, ये 6 कार्बन है, ये एक छोड़ के एक, ये डबल बॉन्ड बनेगा इसको. आई शुड मेक इट अगेन. ठीक है, बेंजीन का क्या फार्मूला है, बेंजीन का C6H6. ओके, तो इस तरीके से इसको बना, ये थोड़ा सा इसमें ये हो गया C6, ये डबल बॉन्ड, फिर सबसे एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा, डन. ये आपका बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर विद ऑल हाइड्रोजन एटम. अब हाइड्रोजन एटम का पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, डन. उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी, इस तरह से बनाइए, ये इसके अपोजिट में बनाइए और एक कार्बन नीचे बनाइए, और सब में आप हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए और गैप करते जाइए, यहाँ डबल बॉन्ड. ये क्या बना, मिथाइल बेंजीन, जैसा पहले भी अभी बताया था अपन ने, पर इसको थोड़ा प्रॉपर बताना है. तो ये आपका पोजीशन आइसोमर्स हो गया, पोजीशन चेंज हो. ओके, तो इसमें एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ, वन हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द मिथाइल ग्रुप. ओके, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ तो क्या बोलेंगे, क्या फॉर्म किया, फॉर्मिंग, एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है इसलिए इस प्रोडक्ट को बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ओके, मोनो सब्स्टिट्यूटेड
प्रोडक्ट। अब थ्री पोजीशन आइसोमर्स हैं डाइमिथाइल बेंजीन के, थ्री पोजीशन आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल बेंजीन आर, क्या है ये? इस तरह से पहले आप बेंजीन बना लो, ये फर्स्ट है। तो डाइमिथाइल बेंजीन का ये तो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है 1-2 डाइमिथाइल, तो इसमें फिर पोजीशन चेंज हो गई नेक्स्ट बेंजीन स्ट्रक्चर में, तो वन थ्री डाइमिथाइल, फिर ये हो गया 1-4 डाइमिथाइल बेंजीन। ओके, तो ये क्या है आपका आइसोमर्स ऑफ, ये है 1 पोजीशन पे और 2 पर है और 2 मिथाइल हैं, तो ये बन गया 1-2 डाइमिथाइल बेंजीन। ओके, ठीक है, तो इस तरह से इसको स्ट्रक्चर को हम बोलते जाएंगे। और इसमें क्या है फर्स्ट पे और थ्री पे, तो ये हो गया 1-3 डाइमिथाइल बेंजीन, ये हो गया सिमिलरली 1-4 डाइमिथाइल बेंजीन। और इसको आप, और क्या नाम है इसका, इसका एक और नाम है पी डाइमिथाइल बेंजीन, बेंजीन, और एक और नाम है पी ज़ाइलीन। ओके, इस तरीके से इसका एक और नाम है एम डाइमिथाइल बेंजीन, और एम ज़ाइलीन भी बोलते हैं इसको। पोजीशन के हिसाब से, जैसे वन थ्री या 1-5 पोजीशन है और 1-5, तो उसको बोला जाता है मेटा। ओके, और 1-4 पोजीशन है तो उसको बोला जाता है पैरा, मींस पी मेटा डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंड्स, इनको कहेंगे पैरा डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंड्स। ओके, तो और इसको बोलेंगे ऑर्थो, इसका क्या नाम है, ओ डाइमिथाइल बेंजीन और ओ ज़ाइलीन। ओके, तो उसमें किस पोजीशन पे होते हैं, 1-2 या 1-2 या 1-6 पोजीशन पे होंगे, तो हम बोलेंगे ऑर्थो, ऑर्थो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंड्स, ऑर्थो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंड्स, इसमें मेटा डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंड्स और इसमें ऑर्थो डिस्ट्रीब्यूटेड और ये पैरा डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंड्स। अब आपको कि ओ कहाँ से आया और एम कहाँ से आया, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया पोजीशन के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूटेड का प्रोडक्ट्स ऑफ बेंजीन शो पोजीशन आइसोमर्स, डन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड
products of benzene, products of benzene show position isomerism. ओके, अब हम इसमें आगे और पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन किसने आइसोलेट किया था? माइकल फैराडे ने 1825 में. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है. हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है. नॉर्मल एल्केन के C6H14 है, उससे लेस होते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स से अलग है इसका. तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायोजेनाइड बाय एडिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन ओजोनोलाइसिस से क्या होएगा? साइक्लोहेक्सेन बनेगा. जैसे हमारे पास बेंजीन का C6H6. तो जब इसमें कैटलिस्ट होएगा, किस तरह से इसमें स्ट्रक्चर बनेगा ये देख. तो साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा? 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एडिशन ऑफ 6 हाइड्रोजन निकिल की प्रेजेंस में. निकिल की प्रेजेंस में कितने डिग्री पे? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये C6H12. तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन. ओके, ट्रायोजेनाइड होएगा एडिंग 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना. ट्रायोजेनाइड होएगा एडिंग 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑन ओजोनोलाइसिस और उससे ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे. 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंस इंडिकेटेड बाय एडिशन ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम्स. जब बेंजीन सब्जेक्टेड होगा रिडक्शन में बाय डाइहाइड्रोजन तो क्या बनाएगा? साइक्लोहेक्सेन. तो बेंजीन का प्रोड्यूस वन एंड ओनली वन सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव दैट इंडिकेट द 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम. और बेंजीन जो है वो आइडेंटिकल है. ओके, पहले माइकल फैराडे ने बेंजीन को आइसोलेट करके बताया. ओके, बेंजीन का फर्दर प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? ऑब्जर्वेशन की कैकुले ने, किसने ऑब्जर्वेशन की, क्या ऑब्जर्व किया? अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन के. उसने ऑब्जर्व क्या किया कैकुले ने कि इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और सब में एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है. ओके, ये ऑब्जर्व किया कैकुले. थोड़ा सा इसके कैसे, या इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं. ये भी अगर आप फास्ट कर रहे हो एग्ज़ाम में ये भी बना दोगे तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो उसने दो आइसोमरिक स्ट्रक्चर बनाया कैकुले ने. एक तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन कि आप सब्सटीट्यूशन करते हैं अगर
तो क्या बनेगा? वन टू डाई ब्रोमो बेंजीन। तो और आइसोमर्स है जो बॉन्ड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूट एटम का, वो सिंगल बॉन्ड है। वन टू डाई ब्रोमो बेंजीन, तो इस तरह से एक में इस तरह से सब्स्टिट्यूशन और दूसरे में पोजीशन तो सेम है पर बॉन्ड का स्ट्रक्चर अलग है, इधर डबल बॉन्ड है, ये उसने शो किया। सब्स्टिट्यूट कार्बन एटम में इसमें सिंगल बॉन्ड है और इधर ये सिंगल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है, दिस सिंगल बॉन्ड है सब्स्टिट्यूटेड, और इधर इसमें डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन वॉज फाउंड टू फॉर्म ओनली वन ऑर्थो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट, खाली एक ऑर्थो डिस्ट्रीब्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाया, ओनली वन ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना पाया बेंजीन। ओके, तो मॉडिफाइड थ्योरी आई जो कैलकुले की, वो भी फेल हुई एक्सप्लेन करने में कि अनयूजुअल स्टेबिलिटी जो बेंजीन की है उसकी, और जो उसकी प्रेफरेंस है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन की जगह, उसको फिर रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो वन ऑर्थो, ऑर्थो हमने पहले भी बताया था, ऑर्थो वन टू या वन सिक्स पोजिशन में ओनली वन ऑर्थो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट है। ओके, अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे मान लो क्वेश्चन है व्हाट आर द मार्क पोजीशंस नोन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। ओके, मार्क पोजीशन कौन सी हैं? तो जैसे ये दे दिया मैंने आपको इस तरीके से, अब ये है वन टू थ्री फोर फाइव और ये मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? पहले भी हमने पढ़ा था वन क्या है, ऑर्थो पोजीशन, टू क्या है, मेटा पोजीशन, थ्री क्या है, पैरा पोजीशन। ओके, फिर फोर क्या है, फोर दोबारा से मेटा पोजीशन है। ओके, और फाइव क्या है, ऑर्थो पोजीशन है। अब इससे वो क्या क्लियर हुआ, ये देखो वन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके अपोजिट में फाइव है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये बीच में एम फॉर मिडल और एम फॉर मेटा, ऐसे याद कर लो, ये मेटा है और इसके अपोजिट में फोर है, ये भी मेटा पोजीशन। ओके, और फिफ्थ जो है थर्ड जो है वो पैरा पोजीशन, थर्ड जो बीच में पड़ता है एकदम पैरा मेटा और बीच से पूरे मिडल में पड़ रहा है, अपोजिट में ग्रुप के पड़ रहा है, वो पैरा पोजीशन है।
क्लियर, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैसे। तो यहाँ तक तो समझाया उसने जो केकुले की थ्योरी थी, पर वो फेल होगी उसकी स्टेबिलिटी में बेंजीन की। तो उसके जो सब्सटीट्यूशन है ना, केकुले फेल टू एक्सप्लेन द अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड इट्स प्रेफरेंस टू द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, वो फिर बाद में बताई गई रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू बताई गई और कैसे प्रिपरेशन हुई बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा है उसको अच्छे से आप रिवाइज़ कीजिएगा और आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।